पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र के खपरा पंचायत के ग्वाल गांव वार्ड संख्या 7 में खाना बनाने के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर फटने से 7 लोग झुलस गए, जिसमें 6 लोगों की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सोमवार की संध्या 7 बजे घर में खाना बनाया जा रहा था और परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान गैस सिलेंडर लीक करने से अचानक आग लग गई और सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जिसकी चपेट में घर में मौजूद महिला, पुरुष एवं बच्चे समेत 7 लोग आ गए। स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में सभी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बायसी ले जाया गया, जहां घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने पूर्णिया रेफर कर दिया। सदर अस्पताल पूर्णिया में इलाज के अभाव में 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया। बाद में एक महिला व अन्य एक घायल मरीज की भी मौत हो गई, जबकि एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस घटना से गांव में कोहराम मचा हुआ है। गांव के मुखिया अरुण यादव ने बताया कि सभी लोग एक ही परिवार के हैं। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कैसी घटना हुई है ये? कल शाम की बात है। कल शाम में पिंटू नाम का जो लड़का है, जो गैस अपने से खाना बना रहा था, खाना बनाने के क्रम में गैस लीक कर गया। गैस लीक करने के बाद जो है कि फवारा सा मचा, जो कि बहुत बड़ा एक तरह से जो है कि गैस बाहर हुआ बहुत तादाद में। और वहाँ उसी घर में सब था, बच्चे बुच्ची सब थे, शाम का टाइम था और सभी झुलस गए एकदम पूरा। कितने लोग थे उस वक्त परिवार? 7 व्यक्ति थे। 7 जल गए? हाँ, 7 जल गए। 7 में 7 को ले गए सदर अस्पताल, यही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बायसी, वहाँ बेहतर इलाज के लिए फिर सदर अस्पताल भेजा गया। सदर अस्पताल में हम देखे कि व्यवस्था यहाँ वैसी नहीं थी, ऑक्सीजन यहाँ बर्न के लिए कोई व्यवस्था है नहीं, तो प्राइवेट के लिए हम लोग जो है कि लेके गए फातिमा हॉस्पिटल। लेकिन एक साथ जो 7 पेशेंट देखा वो, तो वो समझा कि शायद पैसा वैसा मिलेगा नहीं। उसके बाद हम लोग मैक्स लाए, मैक्स में भी नहीं लिया, वही कहानी वहाँ भी हुआ। उसके बाद अपोलो ले गए कप्तानपुर, वहाँ भी नहीं लिया। उसके बाद हम लेके गए फिर भागलपुर। भागलपुर ले जाने के क्रम में 4 गो का डेथ हो गया, 4 बच्चा। और उसके बाद 2 को वहाँ से, 1 को बड़ी पैर हाथ पकड़ करके वहाँ दिलवाए, 1 को भेजा फिर बॉबी नाम की जो महिला उसको दिया कटिहार हॉस्पिटल ले, मेडिकल अस्पताल, वहाँ भी भर्ती नहीं लिया वो। उसके बाद लास्ट में हम लोग पूर्णिया फिर लेके आए मेडिकेयर में, उसको वहाँ दिए। तो फिर अभी मोटा मोटी रखिए कि सुबह उसको हम लोग भर्ती किए थे, वो अभी डेट कर गई। कितने लोगों की मृत्यु हुई है 7 में से? कुल अभी 6 हो गया। 7वें की हालत कैसी है? 7वें की हालत बहुत बुरा है, उसका भी स्थिति। कहाँ पर उनका इलाज चल रहा है? अभी भागलपुर में चल रहा है। कहाँ की घटना है ये? ग्वाग्राम ग्वाल गाँव थाना बायसी पूर्णिया। एक ही परिवार के हैं सब? सब एक ही परिवार के। अब हम लेके आए हैं। कहाँ की घटना है ये? ग्वाल गाँव का थाना, थाना बाईस। अच्छा, कितने लोगों की मृत्यु हुई है अभी? मृत्यु तो 5 तो हो चुका था रात। अच्छा, और अभी फिर सुना है वो महिला भी जो है डेथ कर गई। एक महिला और डेथ कर गई है, 7 लोगों की मृत्यु। घटना कैसे हुई थोड़ा बता देंगे एक लाइन में? घटना के बारे में तो जानकारी है। कौन से थाना से हैं आप? बाईस। नाम बता देंगे? मेरा नाम है कृष्णलाल राय।